हेलो एवरीवन, विशिंग यू वेरी वॉर्म वेलकम। कैसे हैं अभी आप सब लोग? जैसा कि बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट ईयर आरयूएचएस यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के जो बच्चे हैं जिनका पहली बार सेमेस्टर एग्जाम होने जा रहा है, शायद 7 या 8 दिन बाद में है लगभग ऑलमोस्ट ये, और एग्जाम बिल्कुल पास में आ चुके हैं, उसी को लेकर के आज ये नया सेशन है आपके लिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में पहली बार जो सेमेस्टर सिस्टम है वो किस तरीके से है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा, उस मार्क्स को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, एनाटॉमी का पेपर कितने का है, फिजियो का पेपर कितने का है, ऑलमोस्ट चीज़ें चेंज है, लास्ट ईयर की तरह नहीं है ये सब कुछ। तो उसी पे अपन आज पूरा सेशन लेंगे और लास्ट में इस सेशन के बाद आपके सामने कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो 7 दिन के अंदर आपको पढ़ने हैं। पूरी तरह डिपेंड नहीं रहना है, अब तक जो जितनी आपने पढ़ाई कर ली सो कर ली, अब उन क्वेश्चंस को जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ उनको अच्छे से पढ़ के जाना है, वापस रीड आउट करना है, डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम में वही आएंगे, पर यह कन्फर्म होता है कि ऑलमोस्ट एग्जाम में इस तरह का पैटर्न और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाना है। तो 2-3 बातें आज के सेशन में रहेगी। पहला कि ये पैटर्न कैसा है, सेमेस्टर सिस्टम में हम जो पहली बार उतरने जा रहे हैं तो वहां पे हमें किस तरीके से इस पेपर को हैंडल करना है, क्या टाइम मैनेज करना होगा, तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा। तो सुनिए ध्यान से, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, और बेसिक तौर पर ये आरयूएचएस ही नहीं अदर यूनिवर्सिटीज पे भी लागू हो रहा है। अगर अदर यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे मुझे देख पा रहे हैं जिनके सेमेस्टर सिस्टम है उनके लिए भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस सेशन में क्या रहने वाला है, सबके आपके सबके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है बहुत ही प्यारा सा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जाने कैसा होगा पेपर, पेपर कैसा होगा, क्या पैटर्न रहेगा, मैं आपको एक सैंपल पेपर दिखाऊंगा उसी के अकॉर्डिंग पता लगेगा आपको। टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा और कौन सा सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको पढ़ के जाना है। स्टार्ट। तो सेमेस्टर सिस्टम 2023 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सबसे पहले आपके सामने है एक सैंपल पेपर, है ना, कुछ इस तरह से आपके सामने पेपर का व्यू रहेगा। ये सैंपल पेपर है बेटा, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये सैंपल पेपर की तरह है, कई बार सैंपल पेपर में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे है कि सर एक न्यू स्कीम है एग्जामिनेशन का, इस तरह से आपका मॉडल पेपर रहने वाला है। ये आपके पास भी होगा, ये पैटर्न आपने देख भी लिया होगा, मैं बस रिपीट कर रहा हूं एक तरीके से। सेक्शन ए, सबसे पहले आपके सामने ए और बी सेक्शन से रिलेटेड आपके पेपर का मॉडल रहेगा। सेक्शन ए में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बेटा, एनाटॉमी के, एनाटॉमी के क्वेश्चंस मिलेंगे। एना और फिजियो को मिला करके टोटल आपका 75 नंबर का टोटल पेपर रहने वाला है, जिसमें से एनाटॉमी का अलग है, फिजियो का अलग रहेगा। जैसे एनाटॉमी के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपके सामने रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज। ये पैटर्न अब आपसे इस बार से फर्स्ट टाइम एवर आरयूएचएस में लगने जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये एक सैंपल पेपर है। तो जैसे कि आपको इसके आंसर जो भी है आपको देना होगा, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पेपर आउट करना है, अच्छे से आंसर की से अपना पूरा देख लेंगे सेटअप। जब आप ये पूरा पेपर पैटर्न हैंडल करते हैं उसके बाद में आपके सामने है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इजी ऐसे टाइप, लगभग ऐसे टाइप का एक बड़ा क्वेश्चन बनता है आपका, एक लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे इसमें लिखा हुआ है राइट क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन सिस्टम द बोन, ये 10 नंबर का एक बड़ा नंबर का क्वेश्चन किसी भी एनाटॉमी के किसी भी सिस्टम से पूछा जा सकता है। हम कोशिश करेंगे कि जो बता रहे हैं उनमें से आ जाए। और एक रहेगा आपका शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स पे आपके 2 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, एक लिखा हुआ है शॉर्ट नोट्स ऑन द एनी 3, कोई भी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, जो भी आपको इनमें से पसंद आ जाए, जो भी आपको सही लगे, सर्कल ऑफ विलिस कर सकते हैं, किडनी, हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, जो पसंद आए आपको, राइट शॉर्ट नोट आंसर ऑन द एनी 3। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको कोई 3 करने हैं। तो टोटल देखो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं आपके सामने, जिसमें एक तो पैटर्न ये रहा और एक बड़ा क्वेश्चन है 10 नंबर का, टोटल मिला करके एनाटॉमी का पेपर रहेगा 37 नंबर का, ऐसा सा एक अनुमान है सेमेस्टर सिस्टम में, 37 नंबर की एनाटॉमी रहेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन और फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है, 4 में से कोई 3 करने हैं, 2 करने हैं, जो भी आपका पेपर रहेगा उसमें से आप देख लेंगे, राइट। ये काम आपको
मिनिमम टाइम में करना है। 3 घंटे का पेपर है तो ये मान के चलो कि आपको 1 घंटे और 30 मिनट के अंदर अंदर ये पेपर निपटा देना है, राइट। ये तो है आपका बेस्ट व्यू। इसके बाद में अगले 1.5 घंटे में क्या करना है आपको पेपर के दौरान, ये भी जरा देखो, ये सेम पैटर्न रहेगा। सेक्शन बी जो है आपकी वो फिजियोलॉजी की रहेगी, इसमें आपको फिजियो के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके सामने सबसे पहले वही फिजियो के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज, अच्छे से हैंडल करना है उनको, आप अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा उसमें। फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये भी यहाँ पे भी वही पैटर्न है, बिल्कुल एक बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें से लगभग ये मान के चलो कि 10 नंबर का रहने वाला है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, कोई भी जैसे तीन करने होंगे तो 2 शॉर्ट नोट्स आएंगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि आपको उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें लिख के आनी है, ज्यादा लिखने मत बैठ जाना, टाइम कम रहेगा। ये भी लगभग 1 घंटे 30 मिनट का पेपर है, तो एना फिजियो का जो पेपर रहेगा बच्चा, तो इसको हम डिवाइड करें एना प्लस फिजियो, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दें। इसमें फिजियो का दिखा रखा है मार्क्स 38 नंबर का, 38 नंबर का, 37 का है एनाटॉमी का, दोनों मिलाकर के आपके हैं 75 नंबर। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, 75 नंबर का एना फिजियो का पेपर, और ये पेपर कितनी देर में सोल्व आउट करना है, 3 आवर, 3 घंटे के अंदर आपको सोल्व आउट करना है, ऐसा पैटर्न रहने वाला है। ये बातें शायद आपको पहले से भी पता होगी, मैं बस आपको एक रिव्यू दे रहा हूं कि सेमेस्टर सिस्टम कैसे होता है। नेक्स्ट वन, हाउ टू मैनेज द टाइम। आपको मैनेज करने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले वही एना की कॉपी है आपके पास, एक फिजियो की कॉपी रहेगी पास में, एनाटॉमी का काम एनाटॉमी में करना है, पर वो करना कितनी देर में है, 1 घंटे 30 मिनट में। फिजियो का काम 1 घंटे 30 मिनट के अंदर अंदर में ही निपटा देना है, तो टोटल आपका टाइम कंज्यूमिंग रहेगा 3 आवर। कुछ बच्चे होते हैं जो एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़ जाएं, जैसे मान लो एनाटॉमी का पेपर आया, एनाटॉमी में आपका एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आ रहा है आपको, आप उसमें लिखे ही जा रहे हो, ऐसा नहीं करना, सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत सारा टाइम हमें बचा के भी रखना है, फिजियो का भी एक बड़ा क्वेश्चन हैंडल करना है। शॉर्ट नोट्स में आपको मान लो शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छा आ रहा है, एक क्वेश्चन है मान लो जैसे साइनोवियल जॉइंट का एक शॉर्ट नोट्स आ गया, साइनोवियल जॉइंट पे आप बहुत सारी बातें जानते हो, उतनी नहीं लिखनी, उसकी जो बेसिक जो बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही लिख के आनी है आपको, उससे रिलेटेड अगर कोई डायग्राम है तो उसको फटाफट फिनिश करो और आगे बढ़ो। ज्यादा शॉर्ट नोट्स पे लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स का मतलब वो फिर शॉर्ट नोट्स ही है, इसका मतलब कि उसके बारे में आप कितना जानते हैं, बस उतना लिखना है, भर भर के नहीं लिखना है कि बहुत सारा लिखने बैठ गए, टाइम नहीं बचेगा। टाइम एनाटॉमी का 1.5 घंटे का फिक्स कर लो कि 1.5 घंटे में मुझे एनाटॉमी करनी है 100% करनी है। एमसीक्यूज को आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी जल्दी करना है, फटाफट उसके आंसर आ रहे हैं तो ठीक है, वरना ज्यादा टाइम मत लगाओ, लॉन्ग क्वेश्चंस पे जाओ, लॉन्ग क्वेश्चंस आपका बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स के 2-3 क्वेश्चंस बढ़िया कर दो, पासिंग मार्क्स जितना काम हो जाएगा, राइट। तो एनाटॉमी का काम 1.5 घंटे के अंदर निपटा देना है, और लगभग मान के चलो आपको मैंने नंबर भी बताए थे, 37 नंबर का काम 1.5 घंटे में करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसको बहुत अच्छी तरह कंज्यूम करके चलना, वरना बच्चे फर्स्ट पेपर में ये आके बोलते हैं सर मेरा तो ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। टाइम मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ये माइंड सेट करके चलो। नेक्स्ट वन, इस बार थोड़ा पेपर का पैटर्न भी चेंज है, जो बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दे, व्हाट्स अबाउट द पेपर पैटर्न, हमें पास कैसे होना है, किस वे से पास होना है, थोड़ा ध्यान दो। ये 75 मार्क्स जो है वो आपके सिर्फ थ्योरी के हैं, इसमें अलग से पास होना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनाटॉमी के 37 मार्क्स, फिजियोलॉजी के 38 मार्क्स, मिला करके 75 नंबर, ठीक। अगली बात सर, 50% मार्क्स कंपल्सरी इन द थ्योरी, इस 75 में से 50% मार्क्स आने बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, लाना ही लाना है। 75 में से हाफ नंबर आपका आना ही चाहिए, वरना बैक लग जाएगी, फेल हो सकते हो, राइट। अब सुनो, कॉलेज इंटरनल मार्क्स, 25 नंबर के कॉलेज वाले आपके नंबर भेजते हैं, उसमें से भी कॉलेज वालों को 12.5 नंबर भेजना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर किसी कॉलेज में किसी बच्चे के नंबर 12 भेज दिए तब भी आपकी बैग लग जाएगी, तो उम्मीद करते हैं कॉलेज तो आपने बहुत अच्छा किया होगा, कॉलेज वालों से आपने अच्छा व्यवहार बना के रखा होगा। किसी भी कॉलेज में अगर आप आरएचएस पढ़ रहे हैं, किसी नर्सिंग कॉलेज में, तो अच्छे से व्यवहार से बात कीजिए, उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट कीजिए, ताकि आपका ये स्कोर तो बेहतर हो जाए, कम से कम 12.5 से तो वो ऊपर भेज दे, 13 भी भेज देंगे तो यहां तो निकल गए सर, अब बस बात जो है वो इस पे है, और उसमें भी कितने पे सर, इससे आधा तो आना बहुत जरूरी है, राइट। ये बहुत इंटरनल जो बातें हैं, जो अंदर की बातें हैं, वही मैं बता रहा हूं आपको कि 12.5 मार्क्स कंपलसरी है कॉलेज वालों की तरफ से,
अच्छा व्यवहार रखोगे तो कॉलेज वाले कम से कम आपको 20 नंबर तक तो भेज ही देंगे, 20 से 22 नंबर 23 नंबर भेज देंगे। अगर फिर भी बहुत बेकार व्यवहार है तब भी 15 तक भिजवाने की कोशिश करवा लो कि सर यार ये नंबर तो अच्छे भिजवा दो, इसमें तो कहीं बैक ना लगे, थ्योरी में हम संभाल लेंगे। थ्योरी में कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं भी दे रहा हूँ, 7 दिन के अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ डालो, बाकी तो आपने तैयारी कर ही ली है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो था पेपर पैटर्न के बारे में। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एनाटॉमी। एनाटॉमी के अच्छे क्वेश्चन क्या है, आपने अब तक जो तैयारी की कर ली, अब अच्छे क्वेश्चन इन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, बहुत अच्छा पढ़ के जाना है। ये मत कहना कि सर इनमें से तो कोई नहीं आया, ये नहीं आया। अरे भाई तैयारी जो करनी थी वो आपने कर ली है, बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, अब जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे करके जाने। एनाटॉमी के लिए अच्छे क्वेश्चन क्या है, सेल और टिश्यू वाले चैप्टर में से कनेक्टिव टिश्यू का शॉर्ट नोट्स आप पढ़ के जाएंगे, शॉर्ट नोट्स आने की संभावना है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। सेल क्या होता है, फाइबर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू पूरा। एपिथीलियम, एपिथीलियम में कौन सा, एपिथीलियम में देखो बच्चा ज्यादातर ये पूछा जाता है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, फिर भी कोई भी पूछा जा सकता है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम जिसको अपन यूरोथीलियम के नाम से भी जानते हैं, राइट, यूरोथीलियम पूछा जा सकता है। एपिथीलियम अच्छा पढ़ के जाएंगे, शॉर्ट नोट्स ही करके आना है, छोटे नोट्स पे ही आएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हार्ट की स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, डायग्राम आना चाहिए, बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 10 नंबर का, हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी है, उसका लेबल क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट की ब्लड सप्लाई भी आनी चाहिए आपको, हार्ट की ब्लड सप्लाई भी पढ़ के जाएंगे आप लोग, राइट। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा आपका 10 नंबर का, तो बेहतर करो हार्ट की स्ट्रक्चर तो पढ़नी पढ़नी है, खाली नहीं छोड़ के आना, ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट रहता है हर साल। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें क्या करना है, लीवर की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, सलाइवरी ग्लैंड का पता हो, और स्टमक की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, इसके बियॉन्ड भी पूछे जा सकते हैं, बट अच्छे क्वेश्चंस तो ये हैं, इनको तो आना ही चाहिए, एग्जाम में बैठने जा रहे हो, ये क्वेश्चंस तैयार हो आपके, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक। रीनल सिस्टम से क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, GFR और रिस्क फैक्टर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपने पढ़ी है, वो पूछी जा सकती है, शॉर्ट नोट्स में पूछी जा सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी आ जाए, नेफ्रोन आ जाए, डायग्राम बना के आना है, डायग्राम बनाना ही बनाना है, राइट। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर पे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, कुछ क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट नोट्स के लिए डाले हैं, तो आप लोग तैयार कर लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, डायग्राम बनाना है। अगर हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी आ जाता है तो किडनी को कट करने के बाद क्या नजर आता है, नेफ्रोन, तो नेफ्रोन वो पूछ रहा है, तो नेफ्रोन के बारे में भी आप अच्छा सा लिख करके आ जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंग्स है, स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स, देखो लंग्स, किडनी और हार्ट, तीन की स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें से एक पूछी जाती है ऑलमोस्ट हर साल अल्टरनेटली, आप चेक कर सकते हैं पीछे के पेपर्स में। तो स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स पढ़ के जाएंगे अच्छे से, उसकी आउटर स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर, सेल्स क्या है, सब कुछ। लिम्फेटिक सिस्टम में सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ के जाना है, लिम्फ नोड, ज्यादा मेहनत मत करना लिम्फेटिक सिस्टम पे, लिम्फ नोड पढ़ के जाना, अच्छा सा बन सकता है क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स वो भी। एंडोक्राइन सिस्टम में थायरॉइड, पीनियल और पैराथायरॉइड, अगर शॉर्ट नोट्स बनेगा तो पैराथायरॉइड पे बन सकता है इस बार, अदरवाइज थायरॉइड, पीनियल, पैराथायरॉइड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे और भी है, पिट्यूटरी, एड्रिनल, वो तो आपने पहले से पढ़ ली होगी, बट इनको भी बहुत अच्छा पढ़ के जाना है, राइट। मेल रिप्रोडक्टिव, टेस्टिस की स्ट्रक्चर, ज्यादा मेहनत मत करना बट फिर भी एक बार हल्का फुल्का देख के जरूर जाना। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये पढ़ के जाना भाई, इस बार कई टाइम से ये आया नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रोस्टेट ग्लैंड पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस की स्ट्रक्चर, ओवरी और प्लेसेंटा, यूट्रस और ओवरी में से एक पूछा जा सकता है, कोई बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, आप पढ़ के जाएंगे। प्लेसेंटा भी हल्का फुल्का देख करके चले जाना। स्केलेटन सिस्टम में क्या है, बोन की स्ट्रक्चर, ह्यूमरस फीमर, साइनोवियल जॉइंट और पेल्विस, इनके शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं आपसे, शॉर्ट नोट्स पूछा सकता है। नर्वस सिस्टम में क्या है, सेरिब्रम, न्यूरोन, ब्रेन स्टेम, मेनिंजीज, क्रैनियल नर्व, ये क्रैनियल नर्व आपके टिप्स पे होनी चाहिए, वाकायदा क्रैनियल नर्व पे क्वेश्चंस बनता है और बहुत बहुत अच्छा करके आना है, राइट। नेक्स्ट वन, और क्रैनियल नर्व के नाम टू नाम सीक्वेंस वाइज आपको याद होनी चाहिए, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्युलोमोटर, ट्रोकलियर, ट्राइजेमिनल, ये सारा सीक्वेंस आपको अच्छे से बेहतर पता हो, राइट। हर बच्चा लिख लिख के देखेगा तो याद हो जाएगा, 7 दिनों के अंदर इनको बहुत अच्छा पढ़ना है। नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजी के अच्छे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी का फॉर्मेशन, मियोसिस, इसके चांसेस कम है मियोसिस के, बट फिर भी पढ़ के जाएंगे आप। कार्डियोवास्कुलर में कार्डियक साइकिल का, और कंडक्शन मेथड ऑफ द हार्ट, कंडक्शन मेथड में क्या आता है वही आपने पढ़ा है, एसए नोड, एवी नोड, ये सब आप पढ़ के जाएंगे, बंडल ऑफ परकिंजे फाइबर्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन पढ़ लेना, बाइल जूस पढ़ लेना थोड़ा, लीवर के फंक्शंस पढ़ लेना, डाइजेशन का एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म है प्रॉपर, कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है, फैट कैसे होता है, प्रोटीन कैसे होता है, कंप्लीट पढ़ के जाना है। रीनल सिस्टम में यूरिन फॉर्मेशन बहुत अच्छा तैयार करना है,
यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन कैसे बनता है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है फिजियोलॉजी का। मिक्चुरेशन प्रोसेस, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसमें यूरिन फॉर्मेशन बहुत अच्छा पढ़ना है, मिक्चुरेशन और रास को थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है हल्का फुल्का सा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग प्रोसेस पूछा जा सकता है, ब्रीदिंग का पैटर्न क्या है, ब्रीदिंग के अंदर आपको इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन का दोनों का प्रोसेस लिख के आना है तो बेहतर कर पाएंगे आप। लिम्फेटिक सिस्टम में कोई फिजियोलॉजी का क्वेश्चन बन नहीं रहा तो मैंने डॉट डॉट छोड़ दिया। एंडोक्राइन सिस्टम में फंक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। कैल्सिटोनिन एंड पैराथ हार्मोन का डिफरेंस पूछा जा सकता है, कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, पैराथ हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। इन दोनों के पर्टिकुलर 4 से 5 डिफरेंस अच्छे से पढ़ के जाएंगे। कैल्सिटोनिन जो वो थायराइड ग्लैंड से आता है और पैराथ हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से आता है, ये आपने पहले से पढ़ लिया होगा और अच्छे से पढ़ लेंगे आप। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ लेंगे, इसमें से एक पूछने की संभावना होती है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, इस पर स्पर्मेटोजेनेसिस के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। फीमेल में से मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छा पूछा जा सकता है, इवन की मेंस्ट्रुअल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर भी अगर आप देख सकते हो तो देख लेना, ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर भी पूछी जा सकती है। ओजेनेसिस, इनके अंदर कोई फिजियो का क्वेश्चन हमने डाला नहीं है, तो ये कुछ अच्छे फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है, कुछ एनाटॉमी के अच्छे क्वेश्चन है, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी 7 दिन के अंदर ओवरऑल आप जो तैयारी कर रहे हैं बेहतर है, पूरी साल आपने पढ़ा होगा, 6 to 7 months, 8 months जो आपने पढ़ाई करी है वो मच बेटर, बट इनको खाली नहीं छोड़ना है, राइट बच्चा। तो ये है एक छोटा सा सेशन आपके सामने कि कैसे मैनेज करें टाइम को, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, अच्छे क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर इन्हीं में से आएंगे क्या, जरूरी नहीं है बच्चा, पेपर कैसा भी बन सकता है, बट इनमें से अच्छे क्वेश्चंस आने की संभावना पूरी पूरी है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस में से एक भी नहीं आएगा, अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप अपनी तैयारी रखो, अच्छे से जारी रखो और 7 दिन के अंदर जितना इनको पढ़ सकते हो पढ़ लो। ऑल द बेस्ट, पेपर बेहतर होगा और नो डाउट घबराना नहीं है, पेपर का पैटर्न देख करके घबराना नहीं है, एना और फिजियो का काम अच्छा करके आना है। जैसा मैंने कहा 75 में से आधा 50% तो अच्छा करके ही आना है ताकि एक पासिंग मार्क्स बन जाए। तो ब्लेस यू सबको, और जितने ज्यादा बच्चे हैं आरयूएचएस के एक दूसरे के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि कम से कम वो बच्चे भी आपके साथ आगे बढ़ सके और सेकेंड सेमेस्टर में उसकी एंट्री हो जाए। ब्लेस यू, थैंक यू टू ऑल।